खूब लड़ी मर्दानी थी वो, झांसी वाली रानी थी वो। आज हम रिव्यू करेंगे लेटेस्ट बॉलीवुड फिल्म मणिकर्णिका का। मणिकर्णिका इज अ बायोग्राफिकल फिल्म ऑन झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई। 1960s के अंदर झांसी की रानी ऑलरेडी एक फिल्म बन चुकी है जिसके अंदर बहुत अच्छे और धमाकेदार डायलॉग्स थे। सिमिलरली इस फिल्म के अंदर, मणिकर्णिका के अंदर भी डायलॉग्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा पेट्रियाटिज्म से भरपूर हैं। जिन लोगों को रानी लक्ष्मीबाई की हिस्ट्री पता है या उसके बारे में जानते हैं, उनके लिए ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो पार्ट मणिकर्णिका का प्ले कर रही हैं कंगना रनावत, उनकी एक्टिंग, उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। फिल्म के शुरू में ही एक डिस्क्लेमर डाल दिया गया है जिसमें ये वाजह तौर पर लिख दिया गया है कि इस फिल्म के अंदर सिनेमेटिक लिबर्टी और स्टोरी टेलिंग लिबर्टी ली गई है, सो इसका एक्चुअल हिस्ट्री से एग्जैक्टली शायद उतना ताल्लुक ना हो जितना कि उनकी बायोग्राफी के अंदर मौजूद है। मणिकर्णिका की स्टोरी बेस करती है किस तरह से मणिकर्णिका झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई बनती है, किस तरह से उनका नाम रानी लक्ष्मीबाई पड़ता है, कैसे उनकी शादी होती है और उसके बाद उनके हस्बैंड की डेथ के बाद क्या होता है, किस तरह से वो लड़ती हैं, किस तरह से वो अंग्रेज़ों को पछाड़ती हैं, किस तरह से आज भी उनका नाम लोग याद रखते हैं। मणिकर्णिका इज़ ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर स्टोरी। फिल्म में अगर परफॉर्मेंसेस की बात की जाए तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस मणिकर्णिका यानी के कंगना रनावत की ही है और वो इस कैरेक्टर को बेहतरीन तरीके से पुल ऑफ करती हैं। फिल्म के डायलॉग बहुत इम्पैक्टफुल हैं, बहुत जानदार हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से लिखे गए हैं और उनको परफॉर्म भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। फिल्म के अंदर कंगना रनावत के अलावा कुलभूषण खरबंडा, सुरेश ओबराय और अतुल कुलकर्णी शामिल हैं, मगर फिल्म के अंदर इन सारे एक्टर्स का रोल बहुत ही कम है। यूं कहिए कि हर एक्टर को मुश्किल से 5 से 8 मिनट का रोल दिया गया है, मगर मणिकर्णिका कंगना रनावत की फिल्म है, क्योंकि अगर फिल्म 2 घंटे 20 या 25 मिनट की है तो इसमें से ऑलमोस्ट 2 घंटे जो है उसमें आप स्क्रीन पर सिर्फ कंगना रनावत को ही देखेंगे। चाहे वो फाइट सीक्वेंस हो, चाहे वो बैटलफील्ड के सीन्स हो, या इमोशनल सीन्स हो, या थोड़ी बहुत नोकझोंक हो, कंगना रनावत ने अपने कैरेक्टर को बहुत उम्दगी से परफॉर्म किया है। वो फिल्म के अंदर वाकई एक रानी लग रही हैं, वो रानी लक्ष्मीबाई लग रही हैं, क्योंकि उनकी आंखों से जो उन्होंने परफॉर्म किया है, उनके जो चलने फिरने के अंदाज से उन्होंने परफॉर्म किया है, उनकी डायलॉग डिलीवरी जो है बहुत ज़्यादा स्पॉट ऑन है। चाहे वो कुलभूषण खरबंडा हो, सुरेश ओबराय हो या अतुल कुलकर्णी हो, वो लोग अपनी अपनी जगहों पर अच्छे हैं, मगर जो उनका कैरेक्टर है वो बहुत छोटा है। सेम गोज फॉर डैनी डेंगजोंगपा। डैनी बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, बहुत फिट लग रहे हैं, उन्होंने अपनी आवाज़ से बहुत अच्छा काम लिया है, मगर अगेन उनका जो रोल है वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। मणिकर्णिका की डायरेक्शन थोड़ी सी वीक है, उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है जो माजी में हमने पद्मावत के अंदर देखी या हमने जोधा अकबर में देखी या बाहुबली के अंदर देखी। इन फिल्मों के मुकाबले में डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी थोड़ी सी वीक है, मगर एक इंटरेस्टिंग तरीके से इसको फिल्माया ज़रूर किया है। सो अगर डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फिल्म उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, डायलॉग्स अच्छे हैं, पेट्रियाटिज्म जगाते हैं, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं सिर्फ कंगना रनावत की, क्योंकि वही इस फिल्म के अंदर है। म्यूजिक की बात की जाए, शंकर एहसान एंड लॉय ने अच्छा म्यूजिक दिया है। 2 गाने स्टैंड आउट करते हैं, एक सुखविंदर सिंह की आवाज़ में है और दूसरा शंकर की आवाज़ में है भारत के नाम से। सो म्यूजिक ऐसा है जो पेट्रियाटिज्म जगा देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, फिल्म के अंदर जहाँ प्लसेस हैं वहाँ थोड़े से माइनसेस भी हैं। फिल्म थोड़ी ड्रैग हो जाती है, फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो इतना ज़्यादा फास्ट पेस नहीं है। इवन सेकेंड हाफ के अंदर आराम से 5 से 10 मिनट का चॉप किया जा सकता था, एडिट किया जा सकता था। 2.5 घंटे की फिल्म ऑलमोस्ट है ये मणिकर्णिका, मगर इस फिल्म को इजीली 2 घंटा 5 या 2 घंटे 10 मिनट में रैप किया जा सकता था। कुछ सीन्स थोड़े से स्ट्रेस हो जाते हैं, थोड़े ड्रैग हो जाते हैं, जिसकी वजह से स्टोरी टेलिंग थोड़ी हल्की पड़ जाती है। सो मेरी नज़र में फिल्म के प्लस पॉइंट्स हैं कंगना रनावत की परफॉर्मेंस, ज़बरदस्त किस्म के डायलॉग्स, थोड़ी बहुत अच्छी पिक्चराइजेशन और एक डिसेंट म्यूजिक। ये 4 पॉइंट्स जो हैं फिल्म के अंदर बहुत स्ट्रांग हैं। फिल्म के नेगेटिव पॉइंट्स पे अगर आते हैं या माइनस पॉइंट्स पे आते हैं या शॉर्टकमिंग्स के ऊपर आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम कंगना रनावत को देना, थोड़ी सी फिल्म का ड्रैग हो जाना, डायरेक्शन इतनी ज़्यादा
इफेक्टिव ना होना जितनी हो सकती थी, सिनेमेटोग्राफी भी बेहतर हो सकती थी, मगर ये वो चार पॉइंट्स हैं जिसके बिना पे शायद फिल्म उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और फिफ्थ पॉइंट, इस फिल्म के अंदर स्टार वैल्यू एटलीस्ट पाकिस्तान के अंदर कंगना रनौत के फैंस इतने ज़्यादा नहीं हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, मगर इस फिल्म के अंदर लैक ऑफ स्टार पावर की वजह से शायद बॉक्स ऑफिस पे उतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए जितना कि कोई और फिल्म कर पाती। बट आई हाईली रिकमेंड यू टू वॉच मणिकर्णिका, क्योंकि मुझे फिल्म पर्सनली बहुत पसंद आई है। सो आई एम गिविंग मणिकर्णिका 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स।